प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 2/5 / 1/2, यानी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था अभी किस प्रकार से भिन्न संख्या में एक पूर्ण संख्या का भाग देते हैं या एक भिन्न संख्या में भिन्न संख्या का भाग देते हैं। तो जिस प्रकार से अपने पिछली क्लास में पढ़ा था ना उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। जैसे मान लो ये आपके पास एक भिन्न संख्या है 3/5, इसमें आपको 1/2 यानी एक भिन्न संख्या का ही भाग देना है। समझ में आ गया ना भी, कोई भी भिन्न संख्या हो उसमें अपन एक भिन्न संख्या का भाग देंगे। तो किस प्रकार से करते हैं, तो देखो ये पहली भिन्न संख्या 3/5, ये तो इसी प्रकार रहेगी, भाग को अपन गुणा में बदल देंगे। भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे। अब भाग के आगे वाली जो संख्या है ना उसको अपन उल्टा कर देंगे, बस यही करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। यानी भाग का निशान उसको गुणा में बदल दिया, भाग के आगे जो संख्या उसको उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा कर देंगे, नीचे नीचे की संख्या गुणा कर देंगे। 3 को 2 से गुणा किया 3 × 2 = 6, 5 को 1 से गुणा किया 5। अब देखो इसका पहला पार्ट है 2/5 / 1/2। तो अब ये देखो पहली भिन्न तो है 2/5, इसमें तो अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी प्रकार रख दिया। अब भाग को अपन किस में गुणा में बदल देंगे, तो भाग के आगे वाली जो भिन्न है उसको अपन क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी 2 नीचे वो एक ऊपर चला गया और 1 ऊपर वो नीचे आ गया। अब इसके बाद में आप देखो भी कोई भी संख्या कट रही है तो काट दो, अगर संख्या नहीं कट रही है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा और नीचे नीचे की संख्या गुणा। देखो 2 को 2 से गुणा किया 2 × 2 = 4, 5 को 1 से गुणा किया 1 × 5 = 5। यानी पहले का ये आंसर आ गया आपके पास, यानी इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो दूसरा 4/9 में अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके बाद भाग का निशान है उसको गुणा में बदल देंगे। तो भाग के आगे वाली जो भिन्न संख्या उसको उल्टा कर देंगे, गुणा में बदलने के बाद में उल्टा करना है, पहले नहीं करना है। तो उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले अगर कोई संख्या आपस में कट रही है ना तो उसको यहीं पर अपन काट देंगे। अब देखो जैसे 3 के पहाड़े से 1 बार, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है, 3 बार। इसी प्रकार 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आपस में सब कट गए। अब देखो ऊपर क्या बचा, 2 × 1, नीचे क्या बचा, 3 × 1। यानी 2 को 1 से गुणा करें कितना आएगा, 2 × 1 = 2। इसी प्रकार 3 को 1 से गुणा करें कितना आएगा, 3 × 1 = 3। यानी इसका हल कितना आ गया, 2/3, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो तीसरा 3/7, इसको अपन इसी प्रकार रखेंगे 3/7। अब भाग को क्या कर देंगे, गुणा में बदल देंगे। गुणा में बदलने मतलब आगे वाली संख्या को उल्टी करेंगे, आगे वाली भिन्न को। तो 7 तो ऊपर चला जाएगा और 8 क्या जाएगा, नीचे। अब देखो बदलने के बाद में मान भी चेंज ही हो गया, पहले ये नहीं कट रहे थे, दोनों साथ साथ नीचे थे, अब बदलने के बाद देखो 1 साथ ऊपर चला गया, यानी आपस में अब कट जाएंगे। तो मान कितना आ जाएगा, ऊपर क्या रहा 3 नीचे क्या रहा 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/8, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसी प्रकार चौथा पार्ट है, अब इसमें ये जो पहली संख्या नहीं है मिश्रित भिन्न है, यानी सही बट्टों के रूप में है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको बट्टों के रूप में बदलेंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको पिछला सवाल बताया था ना उसमें भी इस टाइप के 2-3 सवाल थे। तो देखो इनको किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा, 2 × 3 = 6, गुणा करने बाद ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 6 × 3 = 7, 7/3। यानी ये भिन्न का रूप में क्या आ जाएगी, 7/3, और भाग 3/5 आगे है। अब इसमें अपने एक स्टेप बढ़ा देंगे, अब क्या करेंगे, जैसे ये सवाल है ना, अब ये इस प्रकार का यही सवाल हो गया सेम। तो सबसे पहले 7/3 इसको अपने इसी प्रकार रखेंगे, और ये जो भाग आ रहा है इसको गुणा में बदल देंगे, गुणा में बदलने मतलब आगे वाली संख्या को उल्टा करेंगे, यानी 5/3, नीचे 5 है ऊपर चला गया, ऊपर 3 है वो नीचे आ गया। अब देखो कोई भी संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो यानी ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, 5 को 7 से गुणा किया 7 × 5 = 35, 3 को 3 से गुणा किया 3 × 3 = 9। अब ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आप इसको आगे थोड़ा और भी कर सकते हो,
जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है ना, अंश का मान बड़ा होता है, तब उसमें अपना हर का भाग आराम से चला जाएगा। तो 35 में 9 का भाग देंगे, देखो 9 चौक 36 ज़्यादा हो गए, 9 3 27, 3 बार गया। अब 35 में 27 घटाएं कितने बचे, 8 बचे, जो शेष बचता वो ऊपर लिखते हैं अपन, ये मान कितना आ जाएगा 3 6 8/9। आप यहाँ तक भी कर सकते हो और ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आप RPSC SI की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे RPSC SI के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से RPSC SI की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ PDF नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहां पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट PCS के अंदर RPSC को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेज को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित PD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो इसका पांचवा पार्ट है 3 से 1/2 भाग 8/3। अब जब इसमें ये जो पहली संख्या है ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। किस प्रकार से करते हैं, इन दोनों का गुणा, 3 × 6 6 में 1 जोड़ 2 6 कितने हो गए 7। ये भिन्न क्या आ जाएगी, 7/2, ये भिन्न क्या आ गई 7/2। भाग आगे वाली संख्या कौन सी है, 8/3। अब अपन दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, ये जो भाग का निशान है इसको अपन गुणा में बदल देंगे, यानी ये जो पहली भिन्न ये तो इसी प्रकार रहेगी 7/2। अब देखो भाग को किसमें, गुणा में बदल दिया, गुणा में बदलने मतलब इसके आगे वाली जो भिन्न है उसको उल्टा करेंगे, इसमें क्या है 3 तो ऊपर आ जाएगा और 8 क्या है नीचे। अब अपने वो क्या देखना, अभी देखो इस प्रकार से भी कोई भी संख्या आपस में कट रही है क्या, अगर नहीं कट रही है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा और नीचे नीचे की संख्या गुणा। तो 7 को 3 से गुणा किया कितने आ गए, 7 3 21, 8 को 2 से 8 × 16, अब ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद में इसको आप आगे और भी कर सकते हैं, यानी 21 में अपन 16 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 16 × 16, कितने बच गए 5, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख दो, बट्टा में जिस संख्या भाग दिया यानी 16 कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। आप यहाँ तक करते हो तो भी आपका आंसर क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी प्रकार से दूसरा है, दूसरे में क्या दे रखा है, 2/5 भाग। अब की बार यहां है ना, ये जो संख्या ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, यानी मिश्रित भिन्न वाली संख्या पहले हो चाहे बाद में हो, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, उसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो इसको अपन सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो यह संख्या इसी प्रकार रहेगी 2/5 भाग। अब इसको अपन भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 2 2, उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 रे कितने हो गए 3, यानी ये भिन्न आ जाएगी 3/2। तो ये भिन्न कौन सी आ गई, 3/2। अब उसी प्रकार करेंगे, पहली भिन्न है वो तो ऐसे ही रहेगी 2/5। अब ये जो भाग है इसको अपन गुणा में चेंज करेंगे, जिससे आगे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, उल्टी का मतलब 2 तो ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएंगे। अब देखो ये कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, 2 को 2 से गुणा किया, 2 × 4, नीचे नीचे का गुणा, 5 3 15। अब देखो इसमें नीचे वाली संख्या बड़ी है, भाग नहीं जा रहा है, तो इसको यहीं तक रखो बस, आगे होगा ही नहीं, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसी प्रकार से आगे वाला है, अब देखो इसमें दोनों क्या है अपने को मिश्रित भिन्न के रूप में यानी सही बट्टों के रूप में दे रखी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको एक भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो इनको क्या करेंगे, 3 × 5 5 3 15 15 में 1 जोड़ा 16, ये कितने आ गए 16/5 भाग। अब देखो इसको इसी प्रकार से 3 को 1 से गुणा करेंगे, 1 3 3, इसमें 2 जोड़ दिए कितने हो गए 5 3 × 2 कितने हो गए 5/3। अब दूसरी स्टेप में अपन क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदल लेंगे, तो पहली भिन्न तो इसी प्रकार रहेगी 16/5। अब ये जो भाग है इसको अपन गुणा में बदल देंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएंगे। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है,
तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, 16 को 3 से गुणा किया, 16 तिया 48, 5 को 5 से 5 चूड़ी 25। अब देखो इसको अपना आगे और भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो ना, यानी अंश का मान बड़ा हो तो उसमें भाग जाता है आराम से, क्योंकि हर से बड़ा है ये, तो 25 का 25 एक बार गया भाग, दो बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 25 दुनी 50 ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितने बचे, 23 बचे, यानी 23 शेष बच गए, ऊपर लिख देंगे बट्टा में 25। इसको आप इस प्रकार यानी यहाँ तक कर सकते हैं। अब देखो इसका आठवां पार्ट है, अब इसमें भी देखो जिस प्रकार से सातवां भाग और आठवां भाग एकदम सेम है, अब इसमें दोनों ये जो संख्या है दोनों क्या है, मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो दो को पाँच से गुणा किया, पाँच दो दस, दस में एक जोड़ा कितने हो गए, ग्यारह, यानी ग्यारह बट्टा पाँच भाग। अब इसी प्रकार इसको भी गुणा करेंगे, पाँच को एक से गुणा किया, एक पंजो पंजो एक जोड़ा कितने हो गए, छः, यानी छः बट्टा पाँच। पर हम लोग दोनों मिश्रित भिन्न थी उसको अपन ने भिन्न के रूप में बदल लिया। अब आगे वाली स्टेप में ये जो भाग का निशान है ये चेंज करेंगे, यानी इसको हटा देंगे, 11 बट्टा 5 भाग को हटा दिया यानी गुणा में बदल दिया, तो आगे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, 5 तो ऊपर जाएंगे और 6 नीचे आएंगे। अब देखो इसमें 5 से 5 कट रहा है, इसको यहीं काट देंगे, आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, काट दिया। उसके बाद ऊपर क्या रहा, 11 गुणा 1 यानी 11 रह गए, 11 गुणा 1 का मतलब 11, नीचे यहाँ 1 था, 1 गुणा 6 यानी 6, यानी मान कितना आ गया, 11 बटे 6। अब देखो इसमें ऊपर वाली संख्या यानी अंश का मान ज़्यादा है हर से, इसका मतलब भाग चला जाएगा, तो 11 में अपन 6 का भाग दें, कितनी बार गया, 1 6 से 2 6 12 ज़्यादा हो गया ना, एक बार गया, 1 6 6। अब 11 में 6 घटाएं कितने बचे, 5, यानी 5 जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे अंश के रूप में, नीचे जिस संख्या भाग दिया वो लिख देंगे, यानी मिश्रित भिन्न के आ गई, 1 से ही 5 बटा 6। ये आप यहाँ तक करते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे मैंने आपको बता दिया, अभी इस प्रकार से आप इसको भाग दे के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज 2.4 है वो आज अपन ने कंप्लीट कर ली, आगे वाली क्लास में अपन एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।